हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का पवन फिटनेस में। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो मैं जो जिम लवर्स हैं, जिम ट्रेनर्स हैं, उनके सपोर्ट में बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जो छोटे जिम ट्रेनर्स हैं तो उनकी मतलब कोई सुन नहीं पा रहा, तो फ्रेंड्स मैं उन्हीं के सपोर्ट में वीडियो बना रहा हूँ। कि जैसे काफी बड़े ट्रेनर्स हैं तो जो वो भी थोड़ा प्रोटेक्ट करे तो शायद जो जिम इंडस्ट्री है, जो फिटनेस इंडस्ट्री है, तो फ्रेंड्स वो बच सकती है। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि जो मॉल खोल दिए, रेस्टोरेंट खोल दिए, बाकी होटल वगैरह काफी सारी चीजें खुल चुकी है, पर जो जिम है वो अभी तक खुले नहीं है। ना ही इनके बारे में कुछ चर्चा हुई है कि कब खोलेंगे, क्या कुछ बताया नहीं जा रहा। तो फ्रेंड्स, यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी बड़े जिम ट्रेनर्स है, वो जो भी जो ये जिम लवर्स है, इन्हीं की वजह से आज मतलब जो महान बन पाए। तो फ्रेंड्स, उनको थोड़ा प्रोटेक्ट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। जो छोटे जिम ट्रेनर्स उनका सपोर्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, क्योंकि वो तो काफी पैसा कमा चुके हैं, पर जो छोटे जिम ट्रेनर्स है उनका क्या होगा, उनका क्या हाल हो रहा होगा। तो फ्रेंड्स, उनको भी इनके बारे में सोचना चाहिए, इसलिए उनको थोड़ा प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर वो चाहेंगे तो शायद जिम इंडस्ट्री बच सकती है। तो फ्रेंड्स, उनको हमारा सपोर्ट करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि सारी चीजें ओपन हो चुकी है, पर जिम का कुछ भी अभी तक बताया नहीं जा रहा। तो फ्रेंड्स, ऐसे थोड़ा होता है कि जैसे गवर्नमेंट हमारे बारे में कुछ सोच ही नहीं पा रही है। तो फ्रेंड्स, इसलिए अपन सब मिलकर प्रोटेक्ट करेंगे तो शायद ये जो फिटनेस इंडस्ट्री है वो बच सकती है। तो फ्रेंड्स, मेरे को वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। आपको मैं एक चीज बता दूं कि जैसे का टाइम भी काफी हो रहा है। तो फ्रेंड्स, शायद 12 बज रहे, नाइट के 1 बजने वाला करीबन, तो मैं टाइम निकाल के मैंने सोचा चलो एक वीडियो तो बनाते ही है फिटनेस, जो भी फिटनेस लवर्स है उनके बारे में। तो फ्रेंड्स, जो भी आप ये देख पा रहे हैं कि हर चीज खोल दी गई है, पर जिम का अभी तो कुछ बताया नहीं जा रहा है। तो फ्रेंड्स, जो फिटनेस इंडस्ट्री वो कितनी जरूरी है तो सबको आपको पता है ही। जितने जो होटल्स वगैरह, रेस्टोरेंट, जो भी स्मॉल वगैरह खुले हैं, उनसे भी ज्यादा जरूरी जो फिटनेस इंडस्ट्री होती है वो जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ये क्यों नहीं खोली जा रही ये पता नहीं है। कुछ भी जो जिम ट्रेनर से बड़े हैं तो उनसे मेरा यही कहना है कि अगर वो भी मिलकर हमारा साथ देंगे तो शायद जो जिम इंडस्ट्री, फिटनेस इंडस्ट्री वो बच सकती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जो टाइम भी थोड़ा कम था तो इसलिए फ्रेंड्स, और मैं मेरे जो फिटनेस वीडियो है वो मतलब आपको बताने वाला हूँ। तो अपन पहले तो वेट करते हैं कि जैसे जिम मतलब कब से खुलेगी, कब क्या, तो वो जिम के बिना थोड़ा मोटिवेशन माहौल जो बिगड़ रखा है थोड़ा वो। तो फ्रेंड्स, मतलब बिल्कुल भी वो मत लीजिए कि शायद मेरे हिसाब से अपन सब मिलकर साथ रहेंगे तो जिम बड़ी जल्दी खुल पाएगी। तो फ्रेंड्स, जिम ओपन होने के बारे में अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलती है तो फ्रेंड्स मैं आपको जरूर बताऊंगा, सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, चलो ये मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद।